Very nice, very nice. योगेश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत ख़ास दोस्त हैं और बहुत ही स्वीट है और हर साल वो छोटे ही होते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से वो छोटे होते जाएंगे तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी उनके यू नो ईयर वन बर्थडे पे भी मैं पहुँचूंगी। एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प पीपल एंड वी आर ऑलवेज देयर विद योगेश एंड योगेश इज़ एज ब्राइट एज हिज कंपनी एंड मे ही स्प्रेड द ब्राइटनेस ऑलवेज एवरीवेयर। थैंक यू, थैंक यू। एक्साइटमेंट बहुत है बट आई हैड बापा जी रोशनी ने रखे थे 5 days, तो बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो बापा के उसमें इतने ज़्यादा थे कि कुछ पता नहीं था, बट मुझे पता था अगर मैं योगेश के बर्थडे पे नहीं आऊँगी तो पूरे साल मुझे सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं आई हूँ। बार बार दिन ये आए, आवाज़ बहुत ख़राब है, तुम जियो हजारों साल, लव यू योगेश। यार मैं तो जिसका भी सुनती हूँ ना इंटरव्यू, मुझे वही सच्चा लगने लगता है, तो वो आप ऊपर वाला मालिक है कि कौन सच्चा है। मैं आदिल का सुनती हूँ मुझे उस पर तरस आता है, मैं राखी का सुनती हूँ मुझे उस पर तरस आता है, तो बाकी तो आई डोंट नो व्हाट इट इज। यार अब पता नहीं, पैसे लुटाने वाले लुटाते हैं, लूटने वाले लूटते हैं, लूटने दो लूटने दो लूटने दो। बाय बाय। हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले मैं डॉक्टर योगेश लखानी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनके बर्थडे की, और आज मैं उनके बर्थडे पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर योगेश लखानी ने थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, यहाँ पे बुलाया, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जैसे हैं और हम लोग का बहुत अच्छा दोस्ती आ रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया को थैंक्स बोलूँगा क्योंकि मीडिया के बगैर हमारा इवेंट अधूरा है। मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरा भी यूथ इंडियन आइकन अवार्ड, एक अभी रिसेंटली हमने भी एक अवार्ड शो किया और था। योगेश जी को मैं सबसे पहले उनको बर्थडे का जन्मदिन का मुबारक देना चाहूँगा, और योगेश लखानी जी इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ, हमारे शो को भी उद्घाटन उन्होंने किए और हमारे शो में इतना उन्होंने हेल्प किए कि मेरे शो को 4 चांद लगा दिए और मेरा शो सक्सेसफुल रहा। तो मैं योगेश लखानी जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा और जो आज शो हो रहा है एकदम ग्रैंड ग्रैंड एंड ग्रैंड। थैंक यू सो मच। तिवारी जी, आप भोजपुरी में आपने अपना नाम कह दिया, अब आप हिंदी फिल्मों में भी आ रही है और ग्रैंड का आपने अवार्ड लिया, कैसा लगा आपने ग्रैंड का अवार्ड लेते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं